व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू राइड द एक्सप्लोरर। दिस इज अनिर्बन और मैं हूं आज खड़गपुर में महिंद्रा शोरूम के पास। जब मैं ट्रैवल कर रहा था बैंगलोर टू मिडनापुर एंड मिडनापुर से बोलपुर, तो इस बीच में मुझे कॉल आया था महिंद्रा से। मेरा जो गाड़ी का ECU सिस्टम है उसका कुछ नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया है, तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे बोला जो नियरेस्ट महिंद्रा का शोरूम है वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। इसीलिए मैं आज आया हूँ। मैं उस टाइम पे जा नहीं पाया था बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो मैं जैसे ही वापस आया मिडनापुर तो दिस इज़ द नियरेस्ट महिंद्रा शोरूम, तो मैं यहाँ पे आया और मेरा गाड़ी को मैंने ECU अपग्रेड किया और अभी गाड़ी एकदम चकाचक दिख रहा है। यहाँ पे मैं आज गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक्सेसरीज ख़रीदा था जब मैं बैंगलोर से निकल रहा था। उस टाइम में मैंने कुछ एक्सेसरीज ख़रीदा था इस ट्रिप के लिए, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उस चीज़ को यूज़ करने के बाद वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून और जल्दी से घर पहुँचते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या और कैसे आप अपने गाड़ी में उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं। सो ये है कार्लिंग किट 5.0। अभी यहाँ पे 2 ईयर वायरलेस USB अडाप्टर लिखा हुआ है बट ये एक्चुअल मॉडल नंबर इसका कार्लिंग किट 5.0 है जो अमेज़ॉन में अवेलेबल है। मैं इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बॉक्स कुछ ऐसे आता है, कार्लिंग किट का ब्रांडिंग आपको चारों तरफ दिखेगा और इसको अभी मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये रहा बॉक्स, यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का बैजिंग एंड कार्लिंग किट का बैजिंग और उसका एक सपोर्ट फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे मैंने निकाला, हालांकि मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स करके यूज़ कर चुका हूँ। तो डिवाइस कुछ ऐसे दिखते हैं, ऊपर आपको बैजिंग मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ हुआ है और मेरे गाड़ी में यूज़ हुआ है इसीलिए आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर ही रखता हूँ मैं। और इसके साथ इसको निकालते ही ये जो वायर है जो कि USB to USB-C जो मैं यूज़ करता हूँ, और दूसरा और एक वायर आता है जो कि USB-C to USB-C है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो इसके सॉफ्टवेयर को। और कुछ पेपर्स एज यूजुअल आते हैं, बिल, ये बिल का कॉपी है, ये इसका कार्लिंग किट का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो है। तो ये सब मैं रख देता हूँ और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्लिंग किट का ये डिवाइस आपका जो USB का जो कनेक्शन है वहाँ पे लग जाएगा। अगर आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो कि वायर्ड कनेक्शन है उसको अगर आप वायरलेस बनाना चाहते हो देन यू कैन यूज़ दिस। आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट यहाँ पे USB-C को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद आपको ये USB केबल, आपका जो जैक है जहाँ पे आप वायर्ड कनेक्शन के लिए अपना USB-C या USB केबल यूज़ करते हो वहाँ पे आपको प्लग कर देना है सिंपल, और आपका जो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है वो आपका वायरलेस बन जाएगा। तो चलिए अभी आपको मैं जल्दी से इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी में जाके मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा दूँगा कैसे आप
इसको कनेक्ट करके आपके वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को वायरलेस बना सकते हो। सो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे फोन में जो ब्लूटूथ और वाईफाई है ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पहली बार इसको कनेक्ट करते हो आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का पासवर्ड चाहिए होता है, उसके बाद कभी भी ये पासवर्ड नहीं मांगता और ये ऐसे कनेक्ट होता है। और देखिए सीमलेसली जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया मेरा वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया और मेरा जो गाड़ी के साथ जो ब्लूटूथ कनेक्शन था वो डिसकनेक्ट हो गया। तो इस डिवाइस को यूज़ करके आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के अंदर जो भी आपके ऐप्स हैं सारे सीमलेसली यूज़ कर सकते हो, लाइक स्पॉटिफाई, मैप, योर फोन, प्राइम म्यूजिक, एवरीथिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।